गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और हैप्पी संडे, ये मेरा संडे का ब्लॉग है, ये थोड़ा लेट जा रहा है उसके लिए सॉरी। तो ये देखिए, आज मॉर्निंग में हम लोग सो ही रहे थे, मतलब 6 बजे से ही, तो कितनी अच्छी बारिश हो रही है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है और मतलब जितनी तेज़ हवाएँ चल रही हैं उतनी ही बारिश हो रही है। तो आज मैं आपके साथ अपना संडे का फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। आई होप आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे, फ़न करेंगे मेरे बच्चे और मेरी फैमिली के साथ। तो मेरे वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा। तो यहाँ पर मैं कर रही थी ब्रश। मेरी आधी बिटिया सो रही है, अभी नहीं उठी है, और ये देखिए योगा कर रहा है। करो ना, दोनों तरह से नाक की दवा उधर घूम गया कि मम्मा वीडियो बना रही थी उधर घूम। पंच मारो, मार कर दी, बैठ जाओ, चलो आ गई थी किचन में और मैंने अपनी चाय बनाई और साथ ही साथ मैंने ब्रेकफास्ट में पोहे बना लिए। पोहे मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, इसलिए मैंने बना लिया कि बच्चे खा लेंगे और हम भी खा लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद मैं अपना क्लीनिंग का रूटीन स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग बैठ करके चाय पी रहे थे और पोहे खा रहे थे, और आज तो हम लोग किचन में ही बैठ करके खाने लगे। बच्चे यहीं पर बैठे हुए थे, इधर मतलब कि विंडो है तो अच्छी हवा आ रही थी ठंडी ठंडी, तो बस यहाँ पर बैठ करके हम लोग कर रहे थे। और ब्रेकफास्ट के बाद मैं अपना क्लीनिंग का रूटीन स्टार्ट करूंगी। और ये देखिए, यहाँ पर मेरी आरू तो अपने से ही खा लेती है, बट मेरे बेटे को खिलाना पड़ता है तो मैं उसको खिला रही थी। और किचन क्लीनिंग का काम तो मैंने नाइट में ही कर लिया था, जैसे स्लैब वगैरह साफ करना और बर्तन वगैरह धोना, तो वो मैंने नाइट में ही कर लिया था। बस मुझे अभी मॉर्निंग में झाड़ू पोछा करना है और फिर उसके बाद लंच प्रिपेयर करना है। तो चलिए मैं खा लेती हूँ, फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर पोछा लगाने के लिए मैं ले रही हूँ आधा ढक्कन लाइज़ोल और थोड़ा सा सर्फ़। इसको डालने से क्या होता है कि अगर आपकी फ़र्श ऑयली है, क्योंकि अगर बच्चे हैं आपके घर में तो वो गंदा कर ही देते हैं, खाना वगैरह गिरा देते हैं, ये देखिए यहाँ पर चाय वगैरह गिरा देते हैं, डालने से हमारी फ़र्श बिल्कुल क्लीन हो जाती। तो फिर मैंने यहाँ पर लगाया पोछा और आप खुद ही देख सकते हैं कि फ्लोर आपका कितना क्लीन हो गया है, तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैं चली गई थी नहाने, और नहा करके आई, मैं पूजा की और फिर अब यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ लंच। और आज मैं लंच में बनाऊँगी कटहल की सब्जी और रोटी, और साथ में मैं रायता बनाऊंगी, दही रखा हुआ है तो वही, और सलाद और पापड़ वगैरह से खा लेंगे। और बच्चों को नहलाने के लिए आज उनके पापा हैं तो मैं टेंशन फ्री हूँ, वरना वो भी मेरा एक काम होता है इनको नहलाओ। और ये नहाने में ना इतना मतलब कि 1 घंटे तो बाथरूम से निकलते ही नहीं है, क्योंकि गर्मी है ना और इनको नहाना बहुत पसंद है मेरे बच्चों को। ये मतलब मॉर्निंग में भी नहाएंगे और नाइट में भी नहाएंगे, तो चलो आज तो मेरे हस्बैंड हैं वो कर देंगे। तो बस यहाँ पर ये देखिए, मैंने कटहल को कट कर लिया और प्याज भी मैंने कट कर ली, और बस अब मैं प्रिपेयर करूँगी अपना लंच।
और मैं लंच में चावल दाल नहीं बना रही हूँ क्योंकि हमने मॉर्निंग में पोहा खा लिया था और पोहा भी थोड़ा भारी ही होता है, तो मैंने सोचा चलो आज स्किप कर देते हैं चावल दाल को और बना लेते हैं यहाँ पर रोटी और सब्जी। तो बस यहाँ पर मैं बना रही थी और मेरे हस्बैंड आ गए थे, ये किसी से बात कर रहे थे कॉल पर, तो वही मैं भी सुन रही थी और बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ। तो आप लोग देखिएगा मैं किस तरह से कटहल की सब्जी बनाती हूँ। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर खीरा रख रखा था तो सोचा इसको कट करके तैयार कर लेती हूँ। मतलब कि एक दो काम साथ में करते रहो तो जल्दी काम हो जाता है, वरना जैसे अभी मैंने बघार के लिए डाल दिया है, जब तक ये होता है तब तक मैं इधर खीरा काट करके भी रख लूँगी। और बच्चों ने मतलब नाश्ता कर लिया है तो इतनी टेंशन नहीं है कि वो भूखे हैं जल्दी जल्दी बनाओ, तो मैं बहुत आराम से अपना लंच प्रिपेयर कर रही थी। तो चलिए बना लेते हैं। और यहाँ पर कटहल में मैं टमाटर भी डालने वाली हूँ। कुछ लोग टमाटर नहीं डालते हैं कटहल में, खटाई के लिए अमचूर वगैरह का यूज़ करते हैं, बट मैं टमाटर डाल देती हूँ और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। आप चाहें तो टमाटर और प्याज का पेस्ट बना करके भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर तो मैं कट करके ही डाल रही हूँ। और ये देखिए मैंने पहले ऑयल डाला, उसमें जीरा, और फिर नहीं पहले मैंने जो कटहल थी उसको थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लिया, उसके बाद फिर मैंने ऑयल डाला, उसमें जीरा प्याज, और प्याज को भूनने के बाद फिर मैंने उसमें कटहल डाला और फिर सारे मसाले डाल करके अच्छे से भून लिया। और फिर नमक डाल के पानी डाल देंगे और फिर जब पक जाएगी तब हम उसमें टमाटर डाल देंगे। और बस हमारी टेस्टी सी सिंपल सी कटहल की सब्जी बन करके रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर मेरी सब्जी बन चुकी है और अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ। और फिर इधर मैं बनाऊँगी, ये रहा दही, तो मैंने इसमें मतलब जीरा भुन करके पीस करके मैं इसमें डाल दी हूँ और नमक डाल दूँगी। और बस मेरा लंच बन करके तैयार हो गया है। ये आप देख सकते हैं, रोटी, दही, कटहल की सब्जी, सैलेड और पापड़। तो आइए आप लोग भी लंच कर लीजिए। तो चलिए लंच कर लेते हैं। और फिर लंच करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा आराम किया और फिर यहाँ पर बच्चे अपने पापा के साथ कर रहे हैं मस्त में। तो चलिए आप लोग देखिए। और फिर हम लोग शाम को आ गए थे, हमारे घर के पास में ये गार्डन था तो यहाँ पर घूमने आ गए थे हम, और कहीं नहीं गए क्योंकि मेरे हस्बैंड को मतलब जब से हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं तो मतलब ये लगातार संडे को भी ऑफिस जा रहे थे, इसी संडे को इनको मतलब ऑफ मिला है। तो हम लोग बोले कि ये थोड़ा सा आराम कर लें क्योंकि अगर बाहर जाते हैं तो हम बहुत थक जाते हैं। तो बस हम लोग यहीं पास में ही गार्डन में आ गए थे और बस मतलब अच्छा था, बच्चों ने थोड़ा सा खेल लिया। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।